हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो आपा कह रहे पॉलिटी द चैप्टर प्रेजिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैगा रिगार्डिंग। एक वीडियो जो अपलोड हो चुकी है जिद विच मैं तुहानू उहदे बेसिक्स बारे दस चुकी सी काफ़ी कुछ। हुण आपा करांगे पावर एंड फंक्शंस। ओके, एंड मैं तुहानू पहला भी दस चुकी हाँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक कोई भी एग्जाम UPSC PPSC KVS ATT सैकेंड पेपर मास्टर केडर SST आर्मी SSC NDA सारे तरह के पेपर जिन्हें भी है ना, जिन्हें भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक स्टेट के होने या सेंटर के हो, हर विच टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इन GK। ओके, सो लेट्स मूव ऑन पावर एंड फंक्शंस करते हैं कि जो प्रेजिडेंट होंगे वो कौन पावर्स से कौन से फंक्शन होंगे। देखो, फर्स्ट द प्रेजिडेंट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ही हैज़ द वास्ट पावर टू बी एक्सरसाइज ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम एज वैल एज इन द एमरजेंसी पीरियड। मतलब भावें नॉर्मल टाइम चलता हो, भावें कोई एमरजेंसी का टाइम चलता हो, लाइक आपातकालीन स्थितियां हो, दोनों केसिस दे विच प्रेजिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। द पावर हाउ एवर आर एक्चुअली एक्सरसाइज बाय प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट एक्चुअली ये पावर्स नू एक्सरसाइज कौन करता, प्राइम मिनिस्टर ते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैं अलग तो जो तुम एक वीडियो करवाऊंगी प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तुम्हें उत्थे पता चलेगा कि एक्चुअली वो किदा पावर्स नू एक्सरसाइज करते हैं। बट उदा तुम्हें पता है ना, हाईएसट अथॉरिटी हाईएसट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दे विच कौन आंदा, प्रेजिडेंट ही आंदा। सो इस करके प्रेजिडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ, बहुत पावर्स आदि को ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम एज वैल एज इन एमरजेंसी टाइम। सो फस्ट असं गल करते एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव का मतलब होंगे कुछ एग्जीक्यूशन करनी अगे, ठीक है। जिदा लाइक कोई लॉ बन गया दैट इज़ द लैजिस्लेटिव, उन्होंने अगे एग्जीक्यूट करना, ठीक है, लागू करना, वो आ जाते एग्जीक्यूटिव। सो हमें ये कि एग्जीक्यूटिव पावर है, देखो पहला ये बहुत जड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आ, ठीक है, उन्होंने उन्होंने परसनस अपॉइंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट परसन, लाइक ही अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर हु इंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन द लोकसभा। लोकसभा तो जिद को मेजोरिटी वोट्स होंगे, जिद को मेजोरिटी होंगी है, उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता, मतलब प्रेजिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। दूसरा, ही अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियोज अमंग दैम ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखो प्राइम मिनिस्टर के नाल ना कुछ मिनिस्टर्स की काउंसिल होंगी है, लाइक प्राइम मिनिस्टर जो सरकार बनती है प्राइम मिनिस्टर बंदा नाल अलग अलग मिनिस्टर बनते हैं, गृह मंत्री, ठीक है, इनवायरमेंट के नाल रिलेटेड सिक्ख्या मंत्री, वो सारे जड़े आप बोलते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उन्होंने पोर्टफोलियो सारे देने कि ये गृह मंत्री आ, ये किसी होर दे विच्चों हैगा, है ना, लाइक भी इनवायरमेंट दे नाल रिलेटेड हैगा या एंड सिक्ख्या दे नाल रिलेटेड हैगा या। सो वो सारे पोर्टफोलियो कौन डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, उन्हां विच बंडदा कौन है, सारे वो प्रेजिडेंट ही बंडदा, बट किहदी एडवाइस दे नाल, प्राइम मिनिस्टर दी एडवाइस नाल। सो प्राइम मिनिस्टर दी एडवाइस नाल वो अलग अलग जिहड़े काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उहदी हुंदी, उन्हां नूं की करदा है, नियुक्त करदा ते उन्हां नूं पोर्टफोलियोज जिहड़े आ उह दिंदा आ। सो इत्थों हुण क्लीयर हो गया कि जो प्रेजिडेंट आ उह इक तां प्राइम मिनिस्टर नूं अपॉइंट करदा ते नाल नाल जिन्ने वी उहदे काउंसिल ऑफ मिनिस्टरां नूं अपॉइंट करदा प्लस उन्हां दे विच उह जिहड़े पोर्टफोलियोज आ उन्हां नूं की करदा आ, प्राइम मिनिस्टर दी सलाह ते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नूं उह डिस्ट्रीब्यूट करदा आ। ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड जजिज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट दे जज, हाई कोर्ट दे चेयरमैन एंड मैंबर ऑफ UPSC कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अलग तो एक वीडियो आनी उस पूरा दस देवगी कि कौन हों की काम होंगे, दे अटॉर्नी जनरल की भी अलग तो वीडियो बनेगी, वो भी सब कुछ दसागी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, एंड अदर मैंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, गवर्नर, मैंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये सारू कौन अपॉइंट करता है, सारू प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करता। देखो जो गवर्नर है ना, वह तो ऑफिस जोड़ा आ जो तक प्रेजिडेंट चाहता उद तक रहा, तो यह बोलिया जाता है कि प्रेजिडेंट के प्लेयर के अंदर ही, ठीक है, लाइक वो खुशी के अंदर ही, मतलब गवर्नर जोड़ा है अपना ऑफिस रखता है, ठीक है। आप गवर्नर का चैप्टर करना उदो भी तुम्हें क्लीयर हो जाना। सो इतों मेन पता लग गया जिन्नी भी द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेयरमैन UPSC जिन्हें भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस, ठीक है, कैग अटॉर्नी जनरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर फाइनेंस कमीशन के मैंबर, उस सारे कौन अपॉइंट करता, प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करता। अगे गल करते हैं लैजिस्लेटिव पावर की, लॉ मेकिंग के रिलेटेड पावर्स की गल करते हैं। देखो द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द इंटैग्रल पार्ट ऑफ द पार्लीमेंट। तुहानू मैं समझाया ही पार्लीमेंट वाले चैप्टर से कि पार्लीमेंट से तीन आते, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेजिडेंट, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेजिडेंट। सो ये पार्लीमेंट का एक वड्डा पार्ट आ, इंटैग्रल पार्ट आ, ठीक है ना। ये आप पहला भी गल कर चुके हैं कि प्रेजिडेंट इज़ द इंटैग्रल पार्ट, एक वड्डा पार्ट आ कि पार्लीमेंट का, थ्रू लैजिस्लेटिव इन द प्राइमरी इज
through legislative legislation is the through legislation is the primary responsibility of the parliament. The president has the right to influence the legislative process in the following way. Hun president kiddan legislative process nu kiddan prabhav pa sakda utte kiddan kede kede tarike aa upa dekhde aa. ठीक है उधर सानू पता है जिहड़ी लैजिस्लेशन है वो प्राइमरी रिस्पोंसिबिलिटी तो पार्लीमेंट की हैगी है ना बट प्रेजिडेंट जिहड़ा उन्हूं किस किस तरीके नाल इफेक्ट कर सकता देखो पहला डिसोल्यूशन एंड प्रोरोगेशन ऑफ द पार्लीमेंट भंग भी कर सकता इनू तो इनू जो पहला स्टार्ट करना होंगे लाइक पहला सैशन होंगे है ना प्ररोग करना वो सारा कौन कर सकता है प्रेजिडेंट कर सकता है भंग भी कर सकता है उन्होंने वो इनिशिएशन भी करता है स्टार्टिंग भी करता है राइट ऑफ प्रेजिडेंट टू एड्रैस एंड सेंड द मैसेज टू बोथ हाउस वो दोनों हाउसिज के मैसेज भी सेंड कर सकता उन्होंने एड्रैस करना लाइक सैशन शुरू होना नवा एड्रैस करना उन्होंने उदो नॉमीनेशन ऑफ मैंबर तुम्हें पता 12 मैंबर राज्यसभा के दो लोकसभा के एंग्लो इंडियन कम्यूनिटी तो नॉमीनेट करते आप कर चुके हैं सो पता लग गया उन्हें किदा पावर्स है ठीक है वो सैशन को खत्म भी करता स्टार्ट भी कर करन वेले करता है भंग भी करता उन्हें ठीक है तो ये ध्यान रखना नैक्सट चलते हैं जी लेइंग डाउन द सम रिपोर्ट्स एट द फ्लोर ऑफ द पार्लीमेंट्स कोई रिपोर्ट्स भी जड़िया आ वह भी रखता है एंड प्योर कंसेंट ऑन द सम बिल्स देखो जो मनी बिल होंगे लाइक मैं तुम्हें एक वीडियो करावगी सारा जल्दी ऑर्डनरी बिल से मनी बिल से की फर्क होंगे हूँ जो मनी बिल होंगे ना लाइक वो ना जो हम कोई भी बिल हैगा पहला जो राज्यसभा लोकसभा डिस्कशन होंगी फिर प्रेजिडेंट के साइन होंगे है ना वो असेंट चाहिए होंगी फिर जाके लॉ बनता है कानून बनता है ना कोई भी बिल बट जो मनी बिल हों ना यदि डिस्कशन होने तो पहला ये जड़ा आ प्रेजिडेंट की कंसेंट ली जाती है प्रेजिडेंट तो जेडे आते हाँ ली जाती है कि यह बिल हैगा मनी बिल ठीक है प्रेजिडेंट की कंसेंट देने ही फिर अगे वो बिल चलता सो डिस्कशन तो पहला प्रेजिडेंट का कंसेंट लेना ये जरूरी होंगे एनी बिल बिकम लॉ ओनली आफ्टर द असेंट ऑफ प्रेजिडेंट फिर कोई भी बिल लॉ कदों बनता जो प्रेजिडेंट वे असेंट दे दिता मतलब अपनी रजामंदी दे दिता ठीक है कि नैक्सट इज़ द ऑर्डीनेंस मेकिंग पावर देखो ऑर्डीनेंस मेकिंग पावर की हैगी है कि जो आर्टिकल 123 है ना ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो एम्पावर करता प्रेजिडेंट नू टू प्रोमलगेट ऑर्डीनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लीमेंट जो पार्लीमेंट के रिसेस है लाइक से पार्लीमेंट सैशन च नहीं है छुट्टियां चल दी उस टाइम जो कोई लॉ बनाना है तो वो प्रेजिडेंट बना सकता जिन्होंने आप ऑर्डीनेंस कहें आर्टिकल 123 के अंडर वो बना सकता है तो ये जो ऑर्डीनेंस होंगे जो लॉ बनते हैं जो प्रेजिडेंट आप ही कला बना लेंगे ठीक है मतलब उस टाइम पार्लीमेंट जो सैशन च नहीं है छुट्टियां चल दी उस टाइम इन्हें कुछ सेम फोर्सिज होंगे एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द पार्लीमेंट लाइक जिदा कोई लॉ ने वर्क करना सी जो वो इफेक्ट से ठीक है जिदा बिल तो कोई लॉ बनता वो सेम उद्दे ही वर्क करेगा ये नहीं कि कुछ डिफरेंट टाइप का बिल होएगा यह तो लॉ बनेगा नहीं ये सेम एक्ट उदा ही करेगा जिदा पार्लीमेंट ने बनाया बट ये नेचर इन्हों का टैंपरेरी होंगे कुछ टाइम लिए होंगे ठीक है उस तो बाद पूरे उसी प्रोसीजर ने दोबारा लॉ बनाना पैंता है ठीक है जिदा पूरा डिस्कशन चलती है राज्यसभा लोकसभा फिर प्रेजिडेंट का असेंट चाहिए बाद ही इदी बिल बनेगा बाद पर यह टैंपरेरी टाइम लिए जो तक पार्लीमेंट छुट्टियां है ठीक है तो कुछ यदा मंथ होंगे कि सिक्स मंथ तक ये बिल रहा है उस तो बाद इनू द्वारा जो है जो पार्लीमेंट सैशन आ जाती है फिर ये डिस्कशन चलती है इन द्वारा बिल बनाना पैंता एज प्रोसीजर जिदा बनता ही है ठीक है सो ये तो बस किसी सिचुएशन प्रेजिडेंट को पावर हैगी है कि वो एट ए टाइम लोड है तो वह बना सकता उन्होंने ऑर्डीनेंस बोलते वीटो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है हूँ प्रेजिडेंट को कि वीटो पावर है एबसल्यूट वीटो सस्पेंशन वीटो एंड पोकट वीटो वीटो की होंगी है देखो कोई बिल तो डिस्कशन हुई उस तो बाद प्रेजिडेंट को जाता है बिल ठीक है हूँ वो बिल तो की अपनी रजामंदी देनी या नहीं देनी है वो प्रेजिडेंट यूज़ करता वीटो पावर तीन तरह के यूज़ करता पहली है कि एबसल्यूट वीटो एबसल्यूट का मतलब होंगे कंप्लीटली ठीक है मतलब पूरी तरह न मतलब कि वो ना कर सकता ये ठीक है विदहोल्ड कर सकता बिल नू सो पहली है एबसल्यूट वीटो का यूज़ करके वो बिल्कुल ही उन्होंने कर सकता बिल नू खारिज कर सकता है दूसरा है सस्पेंशन वीटो सस्पेंशन वीटो के करता वो बिल नू दोबारा भेज दिता ठीक है मतलब कि दोबारा तुम जो रीकंसीडरेशन करो दोबारा डिस्कशन करो बट ये एक प्रॉब्लम होंगी है कि ये बिल दे जे प्रेजिडेंट द्वारा भेज दिता उस तो बाद वैदर वो डिस्कशन होकर आंदा बिल मतलब कोई चेंजेस होकर आते या बिना चेंजेस तो बिल कोई आंदा द्वारा वो वापस आ जाता प्रेजिडेंट को तो उन्होंने दोबारा हाँ देनी ही पैंती है सो जे वो सस्पेंशन वीटो प्रेजिडेंट ने यूज़ कर ली उन्हें एक बार बिल दोबारा भेज दिता कि तुम ये दोबारा रीकनसीडर करो
ठीक है ना, रीकंसीडर करो, मतलब कि द्वारा इतने डिस्कशन करो इस बिल दे विच, देखो कोई प्रॉब्लम है। बट हुण जे पार्लीमेंट चेंजेस करके या बिना चेंजेस तो बिल नूं प्रेजिडेंट कोल भेज दिया, तो हुण प्रेजिडेंट नूं उहदे ते असेंट अपना देना ही पैना। उस तो बाद है जी पॉकेट विटो। पॉकेट विटो की है, सिंपल अपनी पॉकेट दे विच रख लेना बिल, उन्हूं पॉकेट च रख लिया मतलब कि ना उत्ते हाँ दिती है ना इनडेफिनेट पीरियड रख सकता उन्हूं, उन्हूं कोई जवाब, वो जवाब दे ही नहीं है कि हाँ मैं जवाब देना, मैं क्यों बिल रख लिया, उहदी मर्जी आ। जो पॉकेट विटो यूज़ करदा उहदे ते उहने ना हाँ करनी है ना करनी है, बस बिल अपने कोल रख लिया, इनडेफिनेट टाइम लिए रख सकता, जिन्ने मर्जी टाइम लिए, ठीक है। तो पॉकेट विटो एक प्रेजिडेंट ने यूज़ की सी, गैनी जैल सिंह, ठीक है, कोई पोस्ट ऑफिस नाल रिलेटेड बिल सीगा उहदे ते जिहड़ी उन्होंने यूज़ की सी। कई बार पूछ लैंदे आ कि इहने कि प्रेजिडेंट यूज़ की। प्रेजिडेंट कैन ऑल्सो वीटो बिल ऑफ स्टेट लैजिस्लेटिव, जो स्टेट का बिल है उत्ते भी यूज़ कर सकता, विच आर सेंड फॉर हिज अपरूवल, जो अपरूवल ही भेजे जाते हैं ना कोई स्टेट चो भी बिल प्रेजिडेंट की अपरूवल, उत्थे भी वो वीटो पावर यूज़ कर सकता। प्रेजिडेंट कैन नॉट रिटर्न मनी बिल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी वोटड। जिहड़ा प्रेजिडेंट है ना वो ये मनी बिल ते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दो तरह के बिल है भेज नहीं सकता। बाकी मैं एक वीडियो बनानी जिस मैं तुहानू हर तरह के बिल किहदे ते असेंट दे सक, किहदे ते ना नहीं कर सकता, किहदे ते उहनू हाँ करनी पैंदी आ, वह सारा समझा देना, डोंट वरी। बट फिलहाल ही तुसीं इहदीआं पावरस ते ध्यान दो, किहड़ियां किहड़ियां इहदे कोल पावरस हैगियां। तो यह दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल ते अमेंडमेंट बिल, मनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइक कोई शोध करनी हैगी आ, ठीक है, उहदे ते संविधान दे विच कोई, ते मनी बिल, दो तरह के बिल से जोड़ा यह इनू रिटर्न नहीं कर सकते। देखो मनी बिल तो पहले वो असेंट लेके तो शुरू किया हों, सो उन्हें की ना करनी। फाइनैशियल पावरस, ऑल मनी बिल कैन ओरिजिनेट इन द पार्लीमेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजिडेंट। जिन्हें भी मनी बिल है, मैं तुम्हें पहले दस दी कि मनी बिल जोड़े पहले ही प्रेजिडेंट की रिकमेंडेशन के नाल ही पार्लीमेंट फिर जाते हैं, ठीक है। सो पहली देखो वीड्डी पावर वो फाइनैशियल, मतलब पैसे न रिलेटड, सो मनी भी होगी पैसे न रिलेटड ही हो गया, मनी तो है ही पैसा है। सो फाइनैशियल पावर से आ गया कि जिन्हें भी मनी बिल आ वो पहला, सब तो पहला की किए जाते हैं प्रेजिडेंट की रिकमेंडेशन लैके, फिर ही पार्लीमेंट के उन्होंने शुरू किया जाता। बाकी फाइनैंस कमिश्नर, हर 5 साल बाद फाइनैंस कमिश्नर अपॉइंट भी कौन करता, प्रेजिडेंट, सो फाइनैंस के रिलेटेड हो गई। डिप्लोमैटिक, डिप्लोमैटिक पावर के देखो जिन्या भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ आ, इंटरनेशनल ट्रीटी समझते, अंतरराष्ट्रीय पद्धर से कोई समझौते होंगे, ठीक है, उन्होंने बोलते इंटरनेशनल ट्रीटीज़, एंड जिन्हें भी उत्थे एग्रीमेंट होंगे लाइक कोई किसी देश के नाल साडा कोई समझौता हो रहा, ठीक है, या फिर कोई एग्रीमेंट होया, जो भी होंगे एग्रीमेंट ट्रीटीज सारिया होंगे संधिया होंगे, ये सारा कुछ जोड़ा आ किस बिहाफ़ पर होंगे, प्रेजिडेंट के बिहाफ पर ही होंगे। ये रीप्रजेंट करता कंट्री ऑन द इंटरनेशनल फॉर्म, अंतरराष्ट्रीय पद्धर से अपनी कंट्री कौन रीप्रजेंट करता है, प्रेजिडेंट ही रीप्रजेंट करता, तो एम्बैसडर्स सेंड करता, तो डिप्लोमैट्स जोड़े आ उन्होंने रिसीव करता, जिन्हें भी साढ़े एम्बैसडर्स आ या जो डिप्लोमैट इतने वो सारियां इधरों एम्बैसडर्स भेजने डिप्लोमैट्स रिसीव करना, यह किहदा काम आ, प्रेजिडेंट का ही काम, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है डिप्लोमैटिक पावर्स। मिलटरी पावर, देखो मिलटरी पावर बहुत वड्डा रोल आ, सुप्रीम कमांडर हुंदा है आर्म्ड फोर्सिस का, जो प्रेजिडेंट है ना उदा जिहड़ियां साडियां आर्म्ड फोर्सिस है उन्हां दा सुप्रीम कमांडर आ। देखो तीनों ही आर्मी नेवी ते एयरफोर्स, इन्हां दे तिन्नां दे चीफ्स नूं कौन अपॉइंट करदा आ, प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करदा। पहले मैं तुहानूं दस्सां जिन्नियां भी आर्म्ड फोर्सिस उन्हां दा चीफ कमांडर कौन, सुप्रीम कमांडर कौन आ, प्रेजिडेंट, ते नेवी आर्मी ते एयरफोर्स यानी कि जल थल ते वायु सेना जिहड़ियां तिन्नों ही आ, उन्हां दे चीफ्स नूं कौन अपॉइंट करदा आ, प्रेजिडेंट अपॉइंट करता। ही डिकलेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस, जे कि लड़ाई लगनी आ या मतलब कि वॉर डिकलेयर करनी है या कि शांति बना के रखनी आ, वह सारिया डेक्लरेशंस कौन करता, ठीक है, वह प्रेजिडेंट ही करता, मतलब कि वार का आदेश देना, हमने रोकन का आदेश देना, यह सारा कौन दिता, प्रेजिडेंट दिता। एमरजेंसी पावर, देखो एमरजेंसी की होंगी है, आपातकालीन स्थिति लाइक कितने कोई प्रॉब्लम हो गई लाइक इंटरनल रिग्रेशंस हो गए या फिर बाहरों हमला हो गया कोई या कंट्री दे विच ही अंदर प्रॉब्लम्स हो गई है ना, दंगे वगैरह चल पे या कुछ, उस टाइम ते जो प्रेजिडेंट सारा जिहड़ा एमरजेंसी का मतलब की है जो लगा दी एमरजेंसी तीन तरह ही लगती है, तो वह सारा जिहड़ा शासन आ वह सारा कहदे हाथ चल जाएगा, प्रेजिडेंट के हाथ चला जाएगा, यानी सारिया पावरस प्रेजिडेंट के हाथ से चला जाएगियाँ। तीन तरह की होंगी, नैशनल एमरजेंसी, प्रेजिडेंट रूल या फाइनैशियल एमरजेंसी। जे तो पूरे देश च लगनी फिर तो नैशनल एमरजेंसी। पेपर से पूछा जाता कि नैशनल एमरजेंसी किस आर्टिकल के अंडर आती है, आर्टिकल 352। ये तीनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आ। प्रेजिडेंट रूल जो किसी स्टेट से लग जाता है तो लगता ही है मोस्ट ऑफ दी, ठीक है, कि कोई स्टेट के प्रॉब्लम्स हो गई हम पता इतने स्टेट नहीं वर्क वधिया कर पाएगी, फिर प्रेजिडेंट उत्थे प्रेजिडेंट रूल लग जाता जिदे नाल की
ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਸੀਐਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਐਂਡ 365 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੈਨ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ? ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਲਾਈਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 360 ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਰਡਨ ਐਂਡ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫ ਐਨੀ ਕਨਵਿਕਟਡ ਪਰਸਨ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੇਰੀਅਸ ਪਾਰਡਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼, ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਪਾਰਡਨ। ਪਾਰਡਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਆ, ਓਫੈਂਡਰਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਬੋਥ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਂਡ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਬਜ਼ੋਲਵਸ ਦਾ ਓਫੈਂਡਰਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਫਰੋਮ ਆਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਿਪ੍ਰਾਈਵ। ਰਿਪ੍ਰਾਈਵ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸਟੇ ਆਫ ਸਟੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਸੋਰੀ, ਸਟੇ ਆਫ ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੋਰ ਦਾ ਪਾਰਡਨ ਔਰ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਰਡ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਛ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀਆਂ। ਰਿਪ੍ਰਾਈਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਾਰਡਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਾਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਰਿਪ੍ਰਾਈਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪ੍ਰਾਈਵ। ਰਿਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵਿਦਆਊਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਟਸ ਕਰੈਕਟਰ। ਕਰੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜੋ ਫੋਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਕਰੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਘਟਾ ਦੇਣੀ, ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਰਮ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਿਸਪਾਈਟ। ਰਿਸਪਾਈਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਿਸਪਾਈਟ ਮੀਨ ਅਵਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਲੈਸਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪੈਨਲਟੀ ਇਨ ਦਾ ਵਿਊ ਆਫ ਸਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਕਟ। ਦੇਖੋ, ਫੈਕਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਕਟਸ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਅਫੈਂਡਰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੇਂਜਡ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਆਇਤ ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਿਸਪਾਈਟ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮੈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੇਂਜਡ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਸਪਾਈਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਟ ਮੇਅਰਲੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਵਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਅਨਦਰ ਆਫ ਫੋਰ ਅਨਦਰ ਆਫ ਅ ਲਾਈਟਰ ਕਰੈਕਟਰ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੇ ਬੀ ਕਮਿਊਟਡ ਟੂ ਦਾ ਰਿਗਰਸ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੋਰਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਫੋਰਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਰਿਮਿਸ਼ਨ। ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਫੋਰਮ ਚੇਂਜ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮਿਲਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ। ਸੋ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਫੋਰਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਫੋਰਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਹਲਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਫੋਰਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਆਰ ਵੈਂਕਤਾ ਰਮਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਟਰਮ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲਿੰਗ ਆਫਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਪਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਡਰ।
ਠੀਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ 27, 28, 29 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਹੂ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਸਕੈਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ